चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 का पहला देखते हैं। द विजिटर सेड आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू ऑन दिस पॉइंट। विजिटर मान तो दर्शक, दर्शक ने कहा मैं तुमसे इस बिंदु पर बात करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ है कि यू जो है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं इस सेकंड पर्सन को। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, तो इसके दो तरीके हैं। आप इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ मानोगे तो सेड का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी वो भी सही है, नहीं मानो तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, सेड के बाद दैट लगा दो। अब आई का विजिटर के अनुसार ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, टू स्पीक टू स्पीक टू, फिर यू का जो है हो जाएगा, यू का जो माने हो मी तो मी ही हो जाएगा, टू स्पीक टू मी। ऑन दिस पॉइंट का ऑन दैट पॉइंट हो जाएगा, दिस का दैट में बदल दिया था, निकटता सूचक शब्द है, इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे, निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन अगला परिवर्तन होगा। ठीक, दिस को दैट में बदल दिया था, इतना जानते रहो अभी। अगला, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर। अब उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, दैट लगा देना है, क्या लगा देना है, दैट। अब वी का आप जो है स्टूडेंट्स के अनुसार बदलोगे, दे हो जाएगा, दैट दे आर, दे वी आर का दे आर हो जाएगा, ऐसे भी आप देख साथ शॉर्टकट में लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो, दे वर डब्ल्यू आर ई सॉरी देवर सॉरी, फिर देवर कर दीजिए, वी का दे कर देना, जो आर ई है उसको ऐसे ही रहना, या फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, वेरी लेट देवर सॉरी देवर वेरी लेट। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड लगा के जोड़ देना अगला वाक्य, क्योंकि दोनों सर टू रहते हैं तो एंड से हम जोड़ देते हैं, एंड लगा के जोड़ दो, वी का दे कर दो, वी का दे कर दो, मिस्ड द दे वी, हाँ वी का दे कर दिए। अब यहाँ मिस्ड देखिए पास्ट इनफिनिटिव टेंस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट बदल देना, तो हैड साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा, दे हैड मिस्ड द बस। क्लियर हो गया, ठीक है। द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट देवर सॉरी देवर वेरी लेट एंड दे हैड मिस्ड द बस। चलिए तीसरा वाक्य देखते हैं, माई वाइफ सेड आई विल आंसर द फोन आप फॉर यू। तो यहाँ माई वाइफ के बाद देखिए यू है तो यू को तो बदलना ही पड़ेगा आपको, तो एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, यहाँ माई वाइफ थर्ड पर्सन है ना, तो जिसकी कमी वही मान लिए करो, नाउन थर्ड पर्सन मानता है। तो यहाँ आप देखिए दो तरीके हैं, माई वाइफ टोल्ड मी कर सकते हो, अपने मन से मानना है, मी की जगह हिम भी मान सकते हो, नहीं तो आप सेड दैट डायरेक्ट भी कर सकते हो, टोल्ड मी दैट या सेड दैट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे भी लिखे हो दैट। अब देखिए आई का क्या हो जाएगा वाइफ के अनुसार, सी हो जाएगा, तो बिल सी सी, अब यहाँ आई विल है ना, आई विल शॉर्ट फॉर्म है आई विल का, तो आप सी वुड कर दीजिए, सी वुड आंसर द फोन फॉर, अब यू को यहाँ मी माने हो तो मी मान लीजिए, सी वुड आंसर द फोन फॉर मी। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ही नेवर सेड यू हैव एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट कुक, तो ही नेवर सेड दैट कर दीजिए, अब यू को आप यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ डायरेक्ट आप मान भी सकते थे, तब सेट का टोल्ड कर सकते थे, नहीं डायरेक्ट लिख दो, ही नेवर सेड दैट, यू का आपको बदलना है तो आई कर दीजिए, आई हैव का हैड हो जाएगा, एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट कुक। बात समझ में आया, चलिए आगे। आई हैव टोल्ड यू एवरी थिंग दैट आई नो सेड द मैन टू द पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर, तो आपको सबसे पहले करना है द मैन सेड टू द पुलिस इंस्पेक्टर, तो सेड टू का टोल्ड कर देना, द मैन टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट में चाहे लास्ट में लिखो चाहे नहीं, इनडायरेक्ट में उसको पहले ही लिखना पड़ेगा, द मैन, ठीक है, टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर दैट, फिर दैट के बाद आपको, ठीक है, मैन के अनुसार आई का ही कर देना, ही है जो ही हैड कर दो, हीड कर दो या ही हैड पूरा फॉर्म लिख दो, टोल्ड, फिर यू का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा इंस्पेक्टर के अनुसार, एवरीथिंग दैट आई का क्या हो जाएगा, ही, नो का क्या हो जाएगा, न्यू, दैट ही न्यू।
तो फिर से बता दे रहे हैं, द मैन टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर दैट ही हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट ही न्यू। चलिए आगे छठवा देखते हैं, यू मस्ट लीव द कंट्री एट वंस सेड द मजिस्ट्रेट टू द फॉरनर। द मजिस्ट्रेट टोल्ड द फॉरनर दैट अब यहाँ यू को आप फॉरनर के अनुसार ही कर दोगे, मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, बस ठीक ना। तो सेड वाला पोर्शन को पहले लिखना पड़ता है रिपोर्टिंग स्पीच को। अगला देखिए, द मैन सेड टू द फ्रूट सेलर, सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, द मैन टोल्ड द फ्रूट सेलर, यहाँ आप दैट लगा देंगे ठीक ना, दीज का दोज कर देंगे, ये दीज का दोज में बदला जाता है, अभी आपको बताया जाएगा निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन, दैट दोज मैंगोज वांट ठीक है, वांट लास्ट मतलब वुड नॉट लास्ट, वांट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ना, तो वांट को आप वुडेंट कर दीजिए या वुड नॉट पूरा लिख दीजिए, क्लियर। लास्ट का लास्ट होगा आखिर होना, दे वेयर ठीक है टू सॉफ्ट, दे के बाद आर का वेयर कर दो टी डबल ओ टू, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट ही होता, मुलायम होता या कोमल होता। तो चलिए आगे देखते हैं, When I get back, I'll return money I have borrowed from you, said his friend to him. तो his friend told him कर दो, his friend told him। उसके बाद when का when से ही जोड़ दो, नहीं that भी लगा दो क्योंकि वो प्रश्नवाचक नहीं है, that लगा दो, that when I का ही get back का got back, तो उसके बाद ही वुड हील मतलब ही वुड रिटर्न मनी, फिर आई का ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड बारोड फ्रॉम यू का जो है हिम हो जाएगा ठीक। चलिए आगे, द डॉक्टर सेड टू मी यू हैव टू स्टे इन बेड फॉर अ वीक, यू विल सून बी वेल, द डॉक्टर हाँ तो एडवाइज्ड एडवाइज नहीं करोगे आप असर टू के हिसाब से बनाना है आपको, पहले असर टू के हिसाब में एडवाइज नहीं करोगे, सेट टू का टोल्ड कर दोगे, एडवाइज इंपरेटिव सेंटेंस में लगता है। तो द डॉक्टर टोल्ड मी दैट कर दो ना, फिर यू का जो है आई हो जाएगा, मी के अनुसार हैव का क्या हो जाएगा हैड, दैट आई हैड टू स्टे इन बेड फॉर ए वीक, उसके बाद यू विल सून बी वेल ठीक है ना, एंड आई यू को फिर कर देना एंड से जोड़ देना है, वाक्य वही है इंपरेटिव है, बिल का आउट कर देना आई वुड सून बी वेल। दसवां, द कैप्टन सेड का सेड ही रहेगा ठीक है, दैट कर देना क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं तो सही रहेगा दैट। अब यहाँ इफ इट रेन्स कामा वी विल, रेन का रेंड हो जाएगा, इफ इट रेंड कामा वी विल का उड हो जाएगा, विल है शॉर्ट फॉर्म वी विल का या वी सेल का, वी उड हैव टू हैव का हैवी रहेगा, उड के साथ भी लगता है, कैंसल द मैच लेकिन सॉरी बी का भी आप बदल देना, दे में कर देना, वी बहुवचन है ना कैप्टन का अनुसार बदला जाएगा, तो कैप्टन तो वो एक वचन है तो लेकिन बहुवचन बदल के हम बहुवचन ही लिख सकते हैं, इसलिए दे हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, द कैप्टन सेड दैट इफ इट रेन्ड कामा दे वुड हैव टू कैंसिल द मैच, यदि बारिश हुई तो उन्हें मैच कैंसिल करना पड़ेगा, चाहे तो आप ऐसे कह सकते द कैप्टन ठीक है सेड दैट दे वुड हैव टू कैंसिल द मैच इफ इट रेन्स, इफ वाला आप बाद में भी लिख सकते हो तब कामा नहीं लगेगा। इग्रामा द स्ट्रेंजर से अजनबी कहा माय चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर फूड, तो इसमें क्या करना है आपको दैट लगा के जोड़ना है, आर की जगह आपको लिख देना है वेयर लगा देना है ठीक, डब्ल्यू ई आर ए
द लेडी डॉक्टर सेड आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन द लास्ट 15 ईयर्स. तो सेड के बाद आप दैट लगा दीजिए, आई का ही कर दीजिए, ठीक है. आई हैव का शॉर्ट फॉर्म ही हैड हो, ठीक है. आई हैव पूरा हो जाए तो ही हैड हो जाएगा. प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, सॉरी प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन द लास्ट 15 ईयर्स. तो अब यहाँ विद्या देना लास्ट का द प्रीवियस में बदल जाता है, द पी आर ई वी आई ओ यू एस. लास्ट का प्रीवियस में बदल जाता है, लास्ट डे का प्रीवियस डे होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको. क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी आज की 5 एक्सरसाइज. इसके बाद जो है आपको अगली एक्सरसाइज कल बताया जाएगा.